वगैरह नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, एससीपीएम का जो अपना 10 मार्क्स श्योर शॉट है उसी का और एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ लेट मेरी कुछ बच्चों से बात हुई और उन्होंने बोला कि सर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि यार ये तो फिर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ हार्डकोर थियोरी एंड इफ क्वेश्चन कम्स ऑन दिस देन इन दैट केस स्टूडेंट में नॉट इवन कम टू नो। सो इसके लिए अगर थोड़ा तुम्हारा पेपर हाई लेवल का आया देन दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी आस्क्ड। सो प्लीज लिसन टू दिस होल वीडियो टिल द एंड। एग्जाम्पल्स दिया है मैंने तुम लोग को मस्त वाला, तो इजिली कनेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे है ये वो भी मैं बता देता हूँ तुम लोग को, बट उसके पहले प्लीज एंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज SCPM पेपर 2 AFM या IBS पेपर 6 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा मैं YouTube पे यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे डालता रहूंगा। जैसे अपन ने इसको इतना हिट बनाया, इन द सेम वे मैं अभी ये सेम चीज AFM में भी लेकर आ चुका हूँ। सो 10 मार्क्स श्योर शॉट AFM के भी आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल है, और ऐसे ही काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं के ऊपर मैं, जैसे शार्पे इंडेक्स मॉडल है, काफी सारे वीडियोज बना रहा हूँ। सो प्लीज वो प्लेलिस्ट को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड ये जो मैं अभी शेयर कर रहा हूं आज आप लोगों के साथ, ठीक है, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसका अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल है, डू विजिट दैट टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटिंग टू SCPM एंड AFM ऑन दैट चैनल, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ऑन दैट नोट मैं आपको मॉड्यूल में भी बता दूं, ये देखो ये है आप लोगों का मॉड्यूल। मॉड्यूल में अगर आप पेज 2.22 पे आओगे तो आपको दिखेगा इधर रिलेशनशिप मार्केट मॉडल्स, 6 मार्केट मॉडल्स जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो अदरवाइज एज अ स्टूडेंट इग्नोर हो जाएगा आपसे, बट अब नहीं होगा बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डू इट विद यूज ऑफ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो इसी को मैंने थोड़ा एक और इजी वे में प्रेजेंट कर दिया है विद माई थिंग्स, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू एक्सेस। इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप लोग क्लिक करेंगे, वहां पे आप लोगों को सारे पॉइंट्स का नोट्स मिल जाएगा। चलो कैसा लग रहा है सेशन, डू लेट मी नो एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। चलो डाउनस्ट्रीम का सबसे पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप में मार्केटिंग में सबसे पहला आता है कस्टमर मार्केट। कस्टमर मार्केट का मतलब भाई अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है देन इन दैट केस ही विल बी लॉयल टू योर ब्रांड एंड डेफिनेटली ही विल रिफर इट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ टू मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कितना अच्छा सर्विस मिला है। मारुति यहाँ पे एकदम टॉप लेवल पे है, तो यूजुअली कोई बंदा अगर मारुति की कार खरीदता है देन इन दैट केस लॉयल्टी ऑफर्स वो लोग ऐसे देते हैं कि मारुति का ही आप कार हमको रिटर्न कर दो एंड यू टेक अनदर अपग्रेडेड मारुति कार। सो इससे सेम चीज टाटा में भी होता है। सो इससे कस्टमर मार्केट आपका और बेटर रोल ओवर होते जाता है एंड योर ब्रांड इज इंटैक्ट। कई बार एप्पल के जो यूजर्स है वो भी यही बोलते हैं कि यार एप्पल का क्या सही मोबाइल है, चल तू भी वही ले। सो उससे क्या हो रहा है, अगेन योर कस्टमर मार्केट इज इंक्रीजिंग। सेकंड आता है आपका रिफरल मार्केट। रिफरल मार्केट में सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं ओला और उबेर का। याद है जब ओला और उबेर आया था देन इन दैट केस सब लोगों को उसने रिफरल स्कीम्स दिया था कि भाई आप अगर आपका ये कोड आपके फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो आपको फ्रेंड को भी 100 रुपीज ऑफ मिलेगा, आपको भी 100 रुपीज ऑफ मिलेगा एंड दैट्स हाउ दे गॉट अ ह्यूज कस्टमर मार्केट जस्ट बाय एवरीबॉडी रिफरिंग ईच अदर। वैसे ही गूगल पे भी करता है आजकल, रिफरल के ऊपर बहुत सारा पेमेंट अपने को मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे को आप रिफर करोगे, ये सुना ओला से जाना तेरे को भी 100 रुपए मिलेगा मेरे को भी मिलेगा, आप किसी और को बोलोगे सुना उबर से जाना तेरे को भी मिलेगा मेरे को भी मिलेगा। तो रिफरल मार्केट एक दूसरे को जब आप रिफर करते जाओगे यू आर अर्निंग, द अदर पर्सन इज अर्निंग, द कस्टमर्स बेस इज इंक्रीजिंग। फिर आता है इन्फ्लुएंस मार्केट। तो अगर इन्फ्लुएंस मार्केट की मैं बात करता हूं देन इन दैट केस सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को जो ध्यान में आता है वो है नीरज चोपड़ा। अगर आज की तारीख में सी नीरज चोपड़ा इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया। नीरज चोपड़ा अगर आज की तारीख में जैवलिन थ्रो करेगा और बोलेगा और मैं थक गया और उसको कोई बिस्लरी का बॉटल देगा ना तो वो बिस्लरी पिएगा, राइट? देन इन दैट केस बिस्लरी का इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो रहा है। सो इफ एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इज डूइंग एनी मार्केटिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट बिकम्स इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। आजकल काफी सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी आप लोग देखते होंगे। सो नीरज चोपड़ा बिकम्स अ इन्फ्लुएंस मार्केट। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने मेरे पास से सबसे पहले कॉस्टिंग ले लिया
लीजिए, आप कॉस्टिंग के बाद यूजुअली डीटी आईडीटी लेते हैं। आप मेरे को पूछोगे सर डीटी आईडीटी मैं किसका लूं, मैं अगर आपको रिफर करता हूं कोई पर्टिकुलर प्रोफेसर तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, बिकॉज आप मेरे इन्फ्लुएंस के अंडर है क्योंकि आप मेरे से पढ़ चुके हो, समझ रहे हो। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ केबीसी का। सो कौन बनेगा करोड़पति में, अगर आप लोग ने देखा होगा अमिताभ बच्चन जब चेक देता है तो उस पर बोलता है ये देखिए एक्सिस बैंक से आपको अकाउंट में आ रहे 10 लाख रुपए, एक्सिस बैंक से अकाउंट। सो अमिताभ बच्चन एक्सिस बैंक ही क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बाद में है आपका रिक्रूटमेंट मार्केट। रिक्रूटमेंट मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका आईसीएआई का प्लेसमेंट प्रोग्राम। सो वहां पे आईसीएआई आपको रिक्रूटमेंट भी करवा के दे रहा है, तो इंटर्न जो उसके स्टूडेंट्स है दे विल बी हैप्पी एंड दे विल सजेस्ट अदर्स, यार तू आईसीएआई में पढ़ाई कर, आईसीएआई की सीए की डिग्री कर, इंस्टीट्यूट ही तेरे को प्लेसमेंट करवा के देगा। तो वो होता है रिक्रूटमेंट मार्केट जहां पे आप के थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाएगा। फिर बाद में आता है सप्लायर मार्केट, दिस इज वेरी यूनिक। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ओएलएक्स और एमेजॉन का। सो यहाँ पे अगर समझो किसी ने अपना OLX पे ओल्ड चीजें बिकती है, सो आपने OLX पे कोई ओल्ड चीजें खरीद ली तो OLX खरीद लेगा, OLX पे बेच दे, बट OLX सामने आपको बोलेगा कि रिफर करेगा कि भाई सुन तुमने OLX पे बेच दिया, अभी ऐसा करो Amazon पे तुम लोग नया चीज खरीद लो, कि आपने ओल्ड चीज बेचा होगा तो नया चीज अभी आपको खरीदना है। सो दैट बेसिकली कॉल्ड है सप्लायर मार्केट। सप्लायर मार्केट में और एक चीज होती है कि आपके आपके सप्लायर के साथ जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतना अच्छा क्वालिटी वो आपको इनपुट देगा, जिससे बेस्ट आउटपुट आएगा और उससे आपका कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा होगा। एंड लास्ट है आपका इंटरनल मार्केट। इंटरनल मार्केट का मतलब होता है कि आपके इंटरनल एम्प्लॉयज, अगर आप टाटा के एम्प्लॉय हो देन इन दैट केस अगर आप टाटा क्रोमा में जाते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉय हो या एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय हो और अगर आपको एचडीएफसी बैंक से लोन चाहिए देन इन दैट केस एचडीएफसी, बिकॉज उसको बताया कि इंटरनल मार्केट अपना ही एम्प्लॉय है तो आपके ऊपर से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा और आपको ओवरऑल जो मार्केट का समझो 10% का लोन रेट है, लोन का इंटरेस्ट का रेट, आपको वो बोलेंगे आपको 8% में दिया 2% का डिस्काउंट, दैट बिकम्स योर इंटरनल मार्केट। लाइक एचडीएफसी बैंक का जैसे मैंने बोला या टाटा क्रोमा का जैसे मैंने बोला 15% 20% डिस्काउंट। सो दिस इज योर रिलेशनशिप मार्केटिंग। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो अपने कस्टमर्स के लिए डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स। क्या क्या बोला, सबसे पहले कस्टमर मार्केट, वर्ड ऑफ माउथ। यहाँ पे अपना एग्जाम्पल क्या था, मारुति सुजुकी, लॉयल्टी बेनिफिट, ब्रांडिंग बेनिफिट जैसे एप्पल का होता है। सेकेंड था अपना रेफरल मार्केट, ओला उबर जीपे, जितने लोग एक दूसरे को रिफर करेंगे उतना प्रोडक्ट का पॉपुलैरिटी बढ़ते जाएगा। थर्ड इज इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, नीरज चोपड़ा बिस्लरी देगा तो बिस्लरी का इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो जाएगा, अमिताभ बच्चन केबीसी में एक्सिस बैंक का चेक से पेमेंट करेगा तो एक्सिस बैंक का स्कोप बढ़ रहा है। सप्लाई मार्केट ओएलएक्स, अमेज़न, रिक्रूटमेंट मार्केट आईसीएआई रिक्रूटमेंट प्रोग्राम या फिर ये shine.com naukri.com पे भी होता है, वो सब आपके रिक्रूटमेंट मार्केट है। इंटरनल मार्केट इज योर टाटा एम्प्लॉय गेटिंग क्रोमा और एचडीएफसी वाउचर। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है फॉर योर रिलेशनशिप मार्केटिंग। एक बार फटाफट क्विक रीड मार लेते हैं, रिप्रेजेंट एक्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी इज द मेन गोल इन कस्टमर मार्केट, फिर रेफरल मार्केट, बाइंग प्रोडक्ट आफ्टर बीइंग रिफर्ड बाय फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, रिक्रूटमेंट मार्केट इंक्लूड्स कमर्शियल रिक्रूटमेंट बाय एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज, इन्फ्लुएंस मार्केट कीप एग्जिस्टिंग एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स वेयर यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग एनवायरमेंट। फिर आता है आपका सप्लायर मार्केट, यहाँ पे डेवलप स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद देम फॉर क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ मटेरियल। एंड लास्ट है आपका इंटरनल मार्केट, इंक्लूड्स इंटरनल डिपार्टमेंट एंड स्टाफ, उनको कुछ बेनिफिट दे दो, डिटरमाइन कस्टमर ओरिएंटेड कॉर्पोरेट कल्चर। तो अगर इंटरनली वो कॉर्पोरेट कल्चर है देन इन दैट केस आपका इंटरनल मार्केट बाय डिफॉल्ट आपका एम्प्लॉय आपका ही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, अगेन इंक्रीजिंग योर ओवरऑल मार्केट शेयर। समझ गए। सो ये था आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। वॉगर देन टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला वेस्ता। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब रहना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको SCPM का एग्जाम देना बाकी है या AFM एंड IBS का उनको कुछ भी हेल्प चाहिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड यस गिव योर बेस्ट टाइम। बाय।